हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमने झींगा फिश लिया है। तो सबसे पहले हम झींगा फिश को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हो फिश को हमने अभी तक साफ़ नहीं किया, तो सबसे पहले फिश को साफ़ कर लेना है। और यहाँ देखिए आलू और बैंगन को भी हमने काट लिया है। तो आप देख सकते हो झींगा फिश को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। तो फिश में नमक और हल्दी अच्छे से लगा लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो देखिए कढ़ाई बिठा दिया है गैस पे। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और तेल को फिर कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिश को हम डाल देंगे एक एक करके, सारे फिश को डाल देंगे एक एक करके और फिर फिश को फ्राई करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, फिश के एक साइड में बहुत अच्छे से कलर आ गया है। तो अभी हम फिश को पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी फ्राई कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी कलर आ जाए अच्छे से। तो देख सकते हो फ्रेंड कितना बढ़िया कलर आया है फिश में। तो ऐसे ही हम फिश को फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। तो फ़िश को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए कढ़ाई में नीचे से थोड़ा बहुत चिपक गया है, उसको भी निकाल लेंगे। और फिर उसी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा करके। तो तेल भी देख सकते हो फ्रेंड गरम हो गया है। तो अभी एक चम्मच साबुत वाला जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद हम आलू और बैंगन को भी डाल देंगे। तो आलू और बैंगन को हमने डाल दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे जीरा और धनिया का पेस्ट बनाया था हमने सिलबट्टे में, वो पेस्ट डाल देंगे। और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 5-6 हरी मिर्च को हमने बीच में से चीरा लगा लिया है तो वो हरी मिर्च भी डाल देंगे। और कुछ देर हम फ्राई करेंगे ताकि जो मसाला है वो मसाला आलू और बैंगन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पे रख के थोड़ी देर आलू और बैंगन को फ्राई करेंगे मसाले के साथ। तो फ्रेंड देखिए, कुछ देर हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो आलू और बैंगन का कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम फिश को भी डाल देंगे। फ़िश को डालने के बाद हम 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे आलू और बैंगन के साथ ताकि फ़िश में भी अच्छे से मसाला चला जाए। तो फ्रेंड देखिए, फ़िश के साथ भी हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अभी पानी डाल देंगे। तो पानी हमने गर्म करके डाला है फ्रेंड। तो पानी डालने के बाद हम 10 मिनट और पका लेंगे ताकि आलू और बैंगन अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे 10 मिनट पकाने के बाद आलू और बैंगन बहुत अच्छे से गल गया है। तो हम 5 मिनट और पका लेंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। और 5 मिनट और पकाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, 5 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।